आज हमारे साथ है बिग बॉस कैसे राजा, जिन्होंने हर किसी के दिलों पर राज किया है, राहुल वैद्य। क्या कहना चाहेंगे राहुल, आज बड़ा ही खास दिन है, ट्रॉफी बस करीब थी, उसे पाना था लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ट्रॉफी करीब थी बट उससे ज़्यादा जो करीब रहा है और जो हमेशा लेके जा रहा हूँ वो है बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएँ, बहुत सारा स्नेह ऑडियंस का। इससे ज़्यादा कुछ मांग नहीं सकता था, इसी के लिए शो में आया था। अगर बात की जाए बिग बॉस पर्सनालिटी का शो है, क्या कुछ बदलाव आपने खुद में देखा, क्या कुछ बदलाव, क्या कुछ मतलब सीख कर जा रहे हैं बिग बॉस से? अपनी कही हुई बात का क्या असर होता है सामने वाले के ऊपर, ये मैं पहले कभी सोचता नहीं था। बिग बॉस में आने के बाद अब से हमेशा सोचूंगा। अगर बात करें रुबीना की, तो रुबीना विनर हैं और कहा जाए ये भी कहा जाता रहा है कि आप उनकी बदौलत यहाँ तक पहुँचे हैं और ट्रॉफी के कहा जाए रनर अप बन चुके हैं, उसके बारे में क्या कहना है आपका? वो मेरी बदौलत जीती हैं, उनको मुबारक हो। एंड यहाँ पे सब अपने अपने गेम खेलते हैं, आई विश यू ऑल द बेस्ट। सलमान खान ने आपको ये, उसके बारे में क्या कुछ कहना है? और आप बाहर जाने के बाद, अब बाहर आ चुके हैं, किससे आप रिश्ता रखेंगे, किससे आप कहा जाए बस? ये दो सवाल में से एक जवाब मिलेगा कि सलमान सर ने ये दिया, हमेशा बहुत सपोर्ट भी किया है शो, हर फ्राइडे सपोर्ट करते थे, आते थे, प्यार देते थे इस शो में। अली और जासमीन के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बना है, अली भाई है, जासमीन भाभी भी बन गई अब तो उनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता और वो आगे भी कायम रहेगा। सो फाइनली जाते जाते हमारे व्यूवर्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव, आपने मुझे इतना प्यार दिया इसलिए शायद मैं टॉप टू में पहुँचा, ऐसा ही प्यार आगे भी बना के रखिएगा। Everything is because of you. Thank you. Thank you, Rahul. Thank you so much. हमसे बात करें कैमरा आंचल सिंह के साथ उमेश शुक्ला, न्यूज़ 24 मुंबई।